प्रोफेशनल मेरा न्यू आई शैडो पैलेट। है वेडनेसडे और पूजा वगैरह खत्म हो गया, मेरा तीज भी खत्म हो गया, गणेश चतुर्थी भी खत्म हो चुकी है। तो आज मैं खाना में कुछ स्पेशल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ दिखा आप लोगों को मैं क्या बना रही हूँ? तो यहाँ पे आज स्पेशल बन रहा है नॉनवेज। तो आज मेरे यहाँ बन रहा है नॉनवेज, तो मटन बन रहा है मेरे यहाँ। तो काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं खा रहे थे क्योंकि पूजा ही पूजा चल रहा था, कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ ही रहे थे और फेस्टिवल से हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो। तो बहुत दिनों के बाद सबको खाने का मन किया है मटन, और साथ ही साथ मौसम बहुत अच्छा है। दो दिन से मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा था, एकदम बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम में ये नॉनवेज खाना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में बिल्कुल भी ज़्यादा मन नहीं करता, लेकिन जब मौसम ठंडा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखो, ये देखो, लग रही है भूख लग रही है। हाँ, तो देखो अब भुनना स्टार्ट ही हुआ है और माही के नाक पे स्मेल चला गया ना मटन का। और माही को नॉनवेज खाना सबसे ज्यादा पसंद है ना बेटा? यप, मेरे को चिकन मटन ये सब खाना बहुत पसंद है। हाँ, तो अभी माही इंतजार कर रही कि जल्दी से ये भूने और जल्दी से मैं खाऊं, है ना बेटा? तो ठीक, अभी इसको अच्छे से भूनने दो। सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए और मटन की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे बहुत बार डाला हुआ है, इसीलिए मुझे बताने का जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे मटन को भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, मटन का असली टेस्ट जो है उसके भुनाई पे ही होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से एकदम भूनूंगी मैं धीमी आंच पे, और उसके बाद फिर मैं सबको दूंगी खाने के लिए। तो चलिए मटन को मैं अभी भूनती हूँ, और भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चूड़ा के साथ खाने वाले हैं अभी, फ्राइड मटन जो है हम लोग चूड़ा के साथ खाएंगे। और उसके बाद मटन में मैं डाल दूंगी पानी, ग्रेवी डाल दूंगी जो हम लोग रात को खाएंगे। तो माही के पापा ने सुबह ही में मटन ला के रख दिया था क्योंकि उनको रात को आने में देर हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह ही ला के रख देता हूँ ताकि तुम लोग आराम से बनाती रहो और खाती भी रहो और मौसम का मज़ा भी लेती रहो। माही ने आरती कर लिया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मंदिर, मंदिर का दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माही ने शाम का आरती कर लिया है। कभी कभी जो है बच्चों से भी पूजा वगैरह करवाते रहना चाहिए, इससे उनका गुड हैबिट्स बना रहता है। तो मैं अक्सर माही से पूजा वगैरह करवाती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरा मटन फ्राई हो रहा है, तो चलिए मटन फ्राई होता है फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो ये रहा मटन और ये है चिवड़ा। तो हमारे यहाँ मटन और चिवड़ा का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए सबसे पहले निकाल दी हूँ, तो अभी मैं पापा को दे देती हूँ। बिटिया रानी का होने वाला है ऑनलाइन मीटिंग, तो इसके सर ने अचानक से बोला है कि सारे बच्चों को शाम 7 बजे बैठना है एक साथ ऑनलाइन, और अभी होने वाला है मीटिंग। तो अभी माही मीटिंग ज्वाइन करेगी, उसके बाद ये खाएगी। तो अभी इसका मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से ये अपना मीटिंग ज्वाइन कर ले, उसके बाद ये खाने बैठेगी, है ना बेटा? चलो, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मुझे शक था। देखो देखो, आपको बताना था, मैं आपसे भी भूल गई। हाँ, और कोई एग्जाम खत्म, उसके बाद सीधे मेरा बर्थडे। चलो अच्छा, यानी कि फ्री हो जाओगी ना टेंशन। मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, क्या लक है। गुड इवनिंग सर। I'll be okay, miss you like an old friend.
Too scared now, thinking I should call up on me. तो गाइस, तो मैंने खा लिया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी मटन बना था मैंने तो अपना खा लिया। और माही का अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है मीटिंग। तो क्या हुआ बेटा मीटिंग में, बता ही नहीं? हम लोग को बताया जा रहा था स्कूल के बारे में, बस सर पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे आएंगे। तो ये है मेरे कुछ ग्रॉसरी सामान जो अभी अभी आए हैं फ्लिपकार्ट से। तो मैं इसे सैनिटाइज कर लेती हूँ स्प्रे करके। तो यहाँ पे है जंबो मैगी का पैकेट, पूरे 12 पैक हैं। और ये मैगी जो है माही को बहुत ही ज़्यादा पसंद है खाना, तो इसीलिए मैंने इसे मंगवा लिया है। तो ये हो गया मैगी, सर्फ और कुछ मसाले हैं, चाय पत्ती, ये है कंफर्ट। कपड़ों को जब मैं वॉश कर लेती हूँ तब एक बार मैं इसे भी यूज करती हूँ कपड़ों को वॉश करने के लिए, और उसके बाद मैं डिटॉल लिक्विड यूज करती हूँ। तो मेरे कपड़े जो हैं 3 बार वॉश होते हैं, एक बार सर्फ से, एक बार कंफर्ट से और एक बार डिटॉल से। और ये मिल्क जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो ये है ब्रिटानिया का टोंड मिल्क जो मैं पहली बार ट्राई करूँगी फ्लिपकार्ट से। तो चलिए अभी फटाफट से मैं इन सबको रख देती हूँ। तो कल मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो आज है दूसरा दिन और मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि नॉनवेज खाने के बाद हम लोग पूजा वगैरह नहीं कर सकते हैं, भगवान को नहीं छू सकते, इसलिए मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है आज और पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ भेज पुलाव, तो मैंने बनाया था भेज पुलाव, तो यही मैंने माही को भी लंच में दिया था आज, माही स्कूल गई थी तो यही लेके गई थी और थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया था, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट से मैं ये खा लेती हूँ, इससे पहले मैंने एक रोटी खाई है, रोटी खाने के बाद तब मैं ये खा रही हूँ। तो थोड़ा इसे मैं खा लेती हूँ। और आज मैंने ये न्यू कुर्ती पहनी है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है, ये मैंने मंगवाई थी, ये कुर्ती जो है मैंने मेसो से मंगवाई है, बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल है। माही इस पुलाव में सोयाबीन खोजी, और हाँ माही को मैंने इतना प्यार से बना के तो दिया था लेकिन एक खाई नहीं, क्योंकि इसकी दोस्त का बर्थडे था। तो किसका बर्थडे था? स्वीटी। तो स्वीटी का बर्थडे था और स्वीटी बहुत सारी चीजें लाई थी खाने के लिए, इसीलिए माही ने अपना लंच फिनिश नहीं किया था, तो अभी इसलिए ये खा रही है। और बहुत सारी चीजें इसकी दोस्त लाई थी जो बच्चों का फेवरेट होता है, इसलिए ये नहीं की स्कूल में लंच, और वो अभी खा रही। तो अभी मैंने इसको गर्म करके माइक्रोवेव में दे दिया है फटाफट से। तो अभी तुमको सधाना पड़ेगा, इतना मेहनत से मैंने बनाया था तो खाना तो पड़ेगा ही। बहुत घटिया लेकिन खा लो, बहुत घटिया लेकिन खा लो, ऑन कैमरा बेइज्जती का कर दे क्या, बहुत घटिया लेकिन खा लो। मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? बहुत वेजिटेबल, तो बहुत सारा वेजिटेबल्स इसमें मैंने डाल दिए इसीलिए इसको नहीं अच्छा लगता है। इसको ग्रीन वेजिटेबल, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया होगा, इसको ग्रीन वेजिटेबल जो है बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद है। तो मैं आपको ये दिखाने वाली थी और ये भी, तो ये है मैनिक्योर किट है ना, ब्रॉन्ज ऑन प्रोफेशनल मैनिक्योर किटो। हाँ तो ये है मैनिक्योर किट, छोटा सा, इसमें सब कुछ है अपने नेल्स को कटिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए। और ये है मेरा न्यू आई शैडो पैलेट, यस। तो ये है मेरा न्यू आई शैडो पैलेट, ये आप लोग देख सकते हो। और ये जो मैंने मंगवाया है ये सारा जो है न्यूड शेड में है और बहुत ही अच्छा है, ये आप लोग देख सकते हो। और ब्रांड आपको सामने दिख रहा होगा कि ये कौन से ब्रांड का है, तो ये है LA कलर्स का। और ये दोनों मैंने फ्लिपकार्ट से और ये मैंने मंगवाया है बिग बास्केट से, तो डिस्काउंट पे मुझे मिला है। ऐसे इसका प्राइस जो है ओरिजिनल
तो ओरिजिनल प्राइस है 750 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट पे 350 में मिला है। और इसे भी खोल के दिखा दो जब ऐसे कर रही हूँ, ये भी दिखा दो खोल के। पहले उसको तुम खोलो, चलो पहले ये दिखाएगी फिर मैं दिखाती हूँ। ये तो ये रहा मैनिक्योर किट, और इसमें आप लोग देख सकते हो नेल कटर है, कैंची है, और ये नेल के कोने कोने से डस्ट को निकालने के लिए ये सारी चीजें। तो इसका भी हमें जरूरत था, मेरे पास पहले जो था वो खराब हो गया, उसका सारा जो है इधर उधर खो गया है, इसलिए मैंने न्यू मंगवाया है। और ये दिया है मुझे 175 रुपीज में, तो ये भी मैंने बिग बास्केट से मंगवाया है। और इसका सबसे अच्छा पता है, इसका पर्स मुझे लग रहा है एकदम अच्छे से, अगर इसमें से हम लोग नेल कटर्स, ये जो दो नेल कटर्स है वो निकाले तो ये पूरा डेंटिस्ट का किट बन जाए, डेंटिस्ट इसका यूज कर सकते। यस, तो ये बहुत अच्छा क्यूट सा और छोटू सा है, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग कहीं जा रहे थे, ये आप लोग देख सकते हो इसका पर्स कुछ इस तरीके से है, छोटे से पर्स में, ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो मैं इसका बात कर रही थी, तो ये है एल ए कलर्स ब्रांड का, बहुत ही अच्छा है, और ड्रामा आई पैलेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामा आई पैलेट। और इसके कलर्स आप लोग देख सकते हो, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं वो सारे कलर है न्यूड कलर में। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरीके से है ये। सो गाइस, तो कुछ इस तरीके से है ये, आप लोग देख सकते हो, ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे, तो इन तीनों से मैच करता हुआ इसमें ये सारे शेड हैं। और यहाँ पे कंसीलर के लिए, ये कंसीलिंग के लिए, आई को कंसील करने के लिए यहाँ पे ये दो और कलर ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे सारे ब्रशेस हैं जो आईज के लिए है, और ये साथ में दिया गया है आईब्रो पेंसिल, तो ये है आईब्रो पेंसिल, ये ब्रश है, और ये भी ब्रश ही, इसे भी ब्रश ही कहेंगे। तो पूरा ये एक छोटा सा पैलेट है, और इसे मैं जल्दी ही ट्राई करूंगी। ये आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, आया है और बस आपको दिखा रही, तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी। और मुझे इसके शेड जो है सारे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, हल्का फुल्का पार्टी वगैरह में जा रहे हो शाम को तो फटाक से लगा लो। तो इसमें क्या है कि बस आप यहाँ से जस्ट ये आप लोग देख सकते हो, हल्का ग्लिटरी टाइप का भी है, साइन इस पे कर रहा है, तो बस लो और ऐसे ऐसे भी लगा लोगे अपने आईज पे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो गाइस, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं जरूरी काम से, अचानक से मेरे हस्बैंड को एक जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं वो काम करने, काम करके फिर घर लौटेंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और हमने लाया है आइसक्रीम खरीद के, मैंने तो अपना वहीं खा लिया था, माही ने भी खा लिया, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खरीद के लाया है, पापा को मैं कल दूंगी दोपहर में खाने के लिए। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, आप सभी लोगों को गुड नाइट।